हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वाला दिन है कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन का, और यहाँ पे हमारे सोसाइटी में नीचे भी प्रोग्राम थे और हमारे घर पे भी प्रोग्राम थे, बट नीचे का थोड़ा सा मैंने मतलब पूरा नहीं देखा, थोड़ा बहुत ही देखा। हम आए थे थोड़ा बाहर, और जहाँ पे मैं मंदिर जाती हूँ ना हमेशा, जो बुधवार का मेरा व्रत रहता है मंदिर जाती हूँ, वहाँ पे हम लोग उसी साइड से गुजर रहे थे, तो सोचा कि मंदिर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कृष्ण जी की मूर्ति है। बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था, बहुत ही भीड़ थी और बहुत ही सुंदर उनके जन्मदिन के उत्सव मनाए जा रहे थे वहाँ पे। तो सोचा कि क्यों ना दर्शन कर लिए, यहाँ तक आए हैं तो फिर दर्शन करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गए, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, फूलों से, गुब्बारों से, हैप्पी बर्थडे टाइप। फिर यहाँ पे आके हम लोग घर पे सब कुछ रेडी करके, हम लोग रेडी करके इंतज़ार कर रहे थे 12 बजने का। कृष्ण जी को ढक दिया था, मतलब जैसे कि जन्म होते हैं तो फिर कपड़ा उनके मुख से हटा दिया जाएगा, इस तरीके से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। भगवान भाव देखते बढ़ रखे आपके जैसे नहीं। और यहाँ पे जो झूला मैंने लिया था उसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया था मैंने, और नीचे जो सिंहासन लिया था उस पर कान्हा जी को बिठाया था और नीचे वहाँ उसको डेकोरेट किया था इस तरीके से। थोड़ा बहुत मंदिर भी डेकोरेट कर लिया था। सब लोग बहुत नींद आ रही थी, सबको लेट बहुत हो गया था, मतलब ऐसी जगह तो जग जाते हैं बट किसी चीज़ के लिए जगह नहीं जग पाते। तो हम लोग इंतज़ार करते थे 12 बजने का, ऑलमोस्ट 12 बज चुके थे, 2 मिनट बाकी थे, तो फिर हम लोग काउंटडाउन स्टार्ट कर चुके थे, एकदम रेडी हो गए थे। और मैं बार बार टाइम देख रही हूँ, मम्मी को बता रही हूँ हाँ अब इतना बाकी है, हाँ अब इतना बाकी है। तो फिर करेक्ट 12 बजे हमने कान्हा जी का जो कपड़ा होता है उसको हटाया। यहाँ पे 12 बजने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिए थे कान्हा जी, और ऐसा लगता है ना इंतज़ार करते कितना टाइम हो जाता है, फिर 12 बजते ही नहीं है जल्दी जिस दिन कुछ काम रहता है। और वैसे तो जगे रहो फिर भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कितना बज गया, 1 बज गया, 1.5 बज गया। यहाँ पे हम लोग गाना भी सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे भगवान के, और भगवान जी का इंतज़ार भी कर रहे थे उनके जन्मदिन का। सो हमारे इंतज़ार की बेला ख़त्म हुई, 12 बज गए। मम्मी को मैंने कहा और मम्मी ने तुरंत कान्हा जी के चेहरे से कपड़ा हटाया। देखो जगह है वो, बस मुझे प्रेशर पड़ेगा। लड्डू गोपाल पहले हुए, जल्दी आओ, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, लड़का हुआ है, यशोदा माता भी बैठी है यहीं पे, जल्दी आओ। लीजिए आपकी अमानत, आप ये कार्य कर सकते हैं, आराम से करो। नीला कपड़ा लिए छोटा मत करना, तो ना होगा ना।
आरती वगैरह होने के बाद मम्मी ने भोग लगाया भगवान जी को। सो इस तरीके से हमने कृष्ण जन्माष्टमी अपने घर पर मनाया बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से, और बहुत ही मज़ा आया। साक्षात कृष्ण भगवान जी आए थे हमारे घर, सभी के घर आए थे, हमारे सोसाइटी में भी।